नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों। उमरिया जिले में तीन बड़े मामले सामने आए हैं, जहां इंदबार थाना के अंतर्गत ग्राम टिकुरी निवासी कुलदीप तिवारी के परिजनों ने बताया कि स्थानीय पुलिस के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है एवं इस मामले की शिकायत कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक से की गई है। वही मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांधवगढ़ ताला में स्थानीय निवासी अर्जुन सिंह ने बताया कि शराब ठेकेदार कर्मचारी के द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है एवं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है और मुझे फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। वही नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिनोरा सड़क मार्ग पर एक्सीडेंट की बड़ी घटना सामने आई है एवं इस दौरान मेकू बैगा नामक आदिवासी युवक की मौत हो गई है और उसका दूसरा साथी संजू बैगा गंभीर रूप से घायल है। वही नगरपालिका कर्मचारी हेमलाल कोल ने बताया कि नगरपालिका विभाग के स्वच्छता निरीक्षक नारायण दुबे के द्वारा जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मुझे अपमानित किया गया है, जिसकी शिकायत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से की गई है। वही जानकी सिंह नामक आदिवासी महिला के साथ उसके पति के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, जहाँ गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों आपराधिक मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते मामलों में इजाफा हो रहा है। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। ये चीज श्री नारायण दुबे, जो स्वच्छता निरीक्षक है नगर पालिका उमरिया में, उनको ये गवारा नहीं हुआ और उन्होंने गाली गलौज, मारने की धमकी आदि, जातिगत गाली गलौज, कुलबा, मतलब ऐसे ऐसी गालियाँ दी है कि मैं बोल नहीं सकता वीडियो में। और सर, मैं FIR के लिए जब आजाद थाना गया था तो उन्होंने न तो मेरे को कोई पावती दी और न FIR किया। आज लगभग महीना बीतने को आया है सर, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ तक कि जो मेरे गवाह हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है सर। और कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि झूठे गवाह भी वो तैयार कर रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो अभी हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और कुछ दिन के लिए हम इंतजार करेंगे, शायद सर हमारे साथ न्याय करें। और साथ ही हमने ये भी आवेदन दिया है कि अगर 15 दिवस के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम थाने में धरना धरेंगे। और दो पुलिस वाले मोटरसाइकिल से आए और हम दोनों को उठाने की बोले कि यहाँ गाड़ी में बैठो, हम बोले किस कारण से गाड़ी में बैठे सर, कोई प्रूफ क्यों बिठा रहे हो हम लोगों को गाड़ी में। तो उन्होंने हम लोगों को मानने लगे, मानना शुरू कर दिए। अब इसके बाद कुलदीप तिवारी को वहाँ ज़्यादा मारा गया, फिर थाना भी ले गया जाया गया सोनापर जेल में बैठा के। फिर इसके बाद हम लोगों को थाना में पूरे कपड़े उतरवा के सर बहुत मारा गया, 2:30 बजे से मारा गया, 10 बजे रात तक मारा गया है सर। और कोरे कागज में हम लोगों के साथ साइन भी लिया गया है सर, मार मार के साइन लिया गया। अब उन्होंने पुलिस वालों ने मार मार के साइन लिया है हम लोगों से। तो शुरू हम और कुलदीप तिवारी मेरा दोस्त, हम दोनों का कोई वो नहीं है। और पुलिस वाले हम लोगों को बिना मतलब को ये सब दिए, प्रकरण किए, जान से मारने की धमकी दिए और घायल भी है वो बहुत कम आ रही थी। आज वो उमरिया हॉस्पिटल में उसको हम भर्ती कराए, एडमिट है वो। हमें पुलिस अधीक्षक साहब के पास शिकायत भी की है सर, और हम दोषी पुलिस वालियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हम मांग कर रहे हैं सर। गोली विनोद जायसवाल चलाया सर, पंकज सिंह के कहने पर, पंकज सिंह वहाँ बैठे थे। अच्छा जी, ऑलरेडी वो फरार है सर किसी अपराधी प्रकरण में, पीछे बैठे थे सर आप दुकान के, वो आवाज़ देकर बोले तब वो गोली चलाए। कौन चलाया गोली? विनोद जायसवाल सर, और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, मैंने थाना प्रभारी को परिचित कराया हूँ भट्टी में जाकर सर। अच्छा, विनोद जायसवाल चलाए किसके कहने पे? पंकज सिंह थे उधरी जी। जी, अब अभी भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं बारंबार सर, मेरे फोन में अभी भी मिस कॉल उनके पड़े हैं। हाँ। मैं डर के मारे फोन नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं वो, बात हुई है क्या? मैं नहीं उठाया सर, मैं जो मेरे ऊपर गोली चला दे मैं किसकी फोन उठाऊंगा बताइए सर। इनके कहने पर ये पार्टनर है ठेके में। उसकी रिपोर्ट आप किए हो? थाना वाले मेरे को अस्पताल ले गए थे, क्या किए, रिपोर्ट लिखे क्या नहीं लिखे ये मैं नहीं जानता सर। अच्छा जी, मेरे कोई कागज मेरे हाथ में नहीं दिए सर, मानपुर अस्पताल पुलिस वाले लेके आए थे। माता पीटता है और माहू को मारे पीटे है, और मैं आपकी धार में नहीं गया हूँ, वहाँ डर के मारे मैं उमरिया आ रहा है। उमरिया में कार्रवाई के द्वारा मैं अपनी लड़की मंगा लिया आपका मार पीट के जमान 1000 रुपये, और मोर जान लेने के लिए और मोर लड़की के मान ले उतार गाँव वाले देखा छोड़ा। मैं रविराज सिंह, निवासी ग्राम टिकुरी,
अभी कल दिनांक को कुलदीप तिवारी निवासी ग्राम टिकुई है, उसको कुछ राजनीतिक दबाव से चुनाव के इस समय कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी के उसमें से वो सुशील जायसवाल लोग वहाँ ले जाके थाने में रिपोर्ट करवाए और रिपोर्ट में कोई इनका नहीं बताया गया कि रिपोर्ट हुआ है। और पुलिस वाले डायल हैंडेड के आए, तीन आदमी आए और इसको बैठा के लेके गए और बेल्ट वोल्ट से जूता उतर से मारे पीटे हैं, और जिसे 10 बजे रात भी छोड़ दिए, जब जाने के लिए कहीं मन न जाए इसको छोड़ दिए। और फिर इसी को लेकर हम आज उमरिया आए हैं तो एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेन भी किए और यहाँ आके उसको भर्ती। कुलदीप तिवारी घुघरी जिला उमरिया का है और इसको घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय उमरिया में भर्ती कराया गया है। इसका